फर्ज को अंजाम दे रही हैं वो भी पूछते हैं। तो सबीन वेलकम हमारे एंड न्यूज पर, और आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत शुक्रिया। तो हम आपसे यही पूछेंगे, अपने बारे में कुछ थोड़ा सा हमें बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी न्यूज को कि आपने मुझे बुलाया, रेस्पेक्ट इस रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा मुझे बनाया, और थैंक्स फॉर गिविंग टू मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपका हिस्सा बनूं और कुछ अपने न्यूज आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इसी साल तकरीबन लास्ट ईयर की बात है, 2020 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की, तो मुझे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का ऑर्डर दिया गया। उसके बाद बस सोशल एक्टिविटीज शुरू हो गई। बिल्कुल, आज तक तो हमने देखा है काफी जगह पर आपको मधु भी किया जाता है और आप वहाँ पर होती भी हैं, तो ये बताएं कि आजकल जिस तरह से समाजी का काम कर रही हैं आप, तो वो किस हवाले से और किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। अच्छा देखिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होती है, और ड्यू टू दिस सिचुएशन के एज यू नो कि कोरोना वायरस की थर्ड ईयर है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमारी बंद है, लेकिन सोशल एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि मैं खुद ईजेडडीओ की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, इसके अलावा सीट भी ज्वाइन की हुई है, वहाँ पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो जो हम प्रैक्टिकली जो वर्किंग हम कर रहे हैं सोशल वर्किंग, वो हम करते हैं हमारी एनजीओस की तरफ से, या जो भी हमारी अपनी सर्कल की जो लोग हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो हम सब लोग मिलकर पार्टिसिपेट करके एज ए टीम वर्क हम लोग कर रहे हैं ना। तो मतलब उसमें क्या क्या काम होते हैं, जिस तरह से कोई आपने जो टीम वर्क बनाई है, तो हर एक बंदे को अलग अलग काम सुपुर्द किया हुआ है, या मतलब सब मिलकर एक ही काम कर रहे होते हैं, या एक वो होता है ना कि भाई आपने ये काम करना है, आपने ये करना है, तो इसके हवाले से बताएं कि जाहिर है जब आप मिलकर कर रहे हैं एक पार्टी के हवाले से या सोशल हवाले से, तो जाहिर है उसमें कोई ना कोई तोहफे भी दिए होते हैं और काम भी बांटे हुए होते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, और ऐसा है कि जब टीम वर्क हम कर रहे होते हैं, तो टीम वर्क में ऐसे आपको पता है प्रेसिडेंट से लेकर सेक्रेटरी तक सबको उनकी वर्किंग और ड्यू टू डेजिग्नेशन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो डिवाइड किया जाता है, फिर उस हिसाब से बंदा वर्किंग करता है। जैसे कि मैंने अभी AWF भी ज्वाइन की हुई है, वहाँ पे एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर में काम कर रही हूँ, तो हमने कुछ रोशन डिस्ट्रीब्यूशन भी किए हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी ऐसी जो है वो क्लब्स भी ज्वाइन किए, जहाँ से हमने ड्राइव किए, रमजान मुबारक में जो है वो अफ्तार ड्राइव हमने की। इसके अलावा जब भी हमें लगता है कि मौका मिल रहा है और हमें अपने आप को प्रूव करना है, तो हम ग्राउंड पे जाके जरूर एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो कोशिश ये होती है कि जो सोसाइटी के इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए। तो मैं कुछ वीडियोस के जरिए, कभी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं वहां से हाईलाइट करती हूँ इश्यूज को, तो इस तरह से हम अपना हिस्सा डालते हैं काम में। जी, ये तो बहुत अच्छे काम है, और सबसे अच्छा काम वाकई ये आपने बताया कि इंसान खुद जाकर जब सर्च करता है कि कहाँ पर हमारी जरूरत है या हमने किस जगह पर क्या काम करना है, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, कुछ थोड़ा सा पीटीआई के बारे में बताइए आप। पीटीआई के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, पीटीआई तो आपको पता है कि इस बार फुरूज पर है, और हुकूमत ही पीटीआई की है, तो वो अपने आप में खुद एक कमाल है। और कोशिश ये है कि देखिये, रमजान मुबारक में जो पैकेजेस दिए गए इमरान खान साहब ने, वो काबिले जो है वो तारीफ है, बहुत बेहतरीन पैकेजेस निकाले हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रमजान मुबारक के हवाले से किसी गवर्नमेंट ने पैकेजेस दिए हूँ। इमरान खान इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु गेव दिस अपॉर्चुनिटीज टू ऑल लोकल पीपल्स। तो इमरान खान ने जो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो पैकेजेस दिए और जो आम आवाम को जो सपोर्ट दिए, जो और इसके अलावा भी रमजान मुबारक के अलावा भी आप देखें कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जो घर बनाए गए, और जो हमारी टेक्सटाइल मिल्स को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिली है, तो इमरान खान की गवर्नमेंट में ही हमें मिली है। तो जब जाहिर सी बात है, टेक्सटाइल इससे पहले कभी भी इतने उरूज पे नहीं थी, अब जाके जो है वो टेक्सटाइल को उरूज मिला। इसके अलावा बैन अवी सतह पे मसला कश्मीर को उठाया गया, तो इसके पीछे डेफिनेटली इमरान खान साहब है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये होता है कि बहुत सारे काम हमारे नहीं हो रहे, और वो जाहिर है सीधा सीधा गवर्नमेंट को ही हम लोग ब्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ही कर रही है, और बहुत बेहतरीन की तरफ भी आई है हमारे मुल्क में। तो पीटीआई में मतलब आप एज आ क्या है और किस ओहदे पर काम कर रही है? मैं जनाब हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, और एज ए डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मैं उसे फुलफिल करती हूँ। तो हैदराबाद के लिए तो हमने काम किया और हम लोग कर रहे हैं, तो क्योंकि मेरा तकरीबन मुझे 7 to 8 months हो गए हैं ज्वाइन किए हुए, तो अब तक मैंने जितनी वर्किंग की है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। और लोगों का तो देखें जनाब, है वो हर गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल ठहराती है, तो आप खुद को मोटिवेट कर लें और खुद आगे बढ़ने का अगर जिसमें जज्बा जुनून होता है, तो फिर वो ये होता है कि अपनी मदद आप क्या चाहते हैं वो लोग वर्किंग करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमें सपोर्ट नहीं थी,
डेफिनेटली हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा था, जुनून था, तो एक के बाद एक राहें खुलती गई। पहले पॉलिटिक्स से, उसके बाद सोशल एक्टिविटीज है, फिर मैंने कुछ टाइम जो है वो एज ए मीडिया पर भी काम किया, तो बस ये खुलती गई राहें। बिल्कुल, मैं खुद ये आवाम से यही कहना चाहूंगी कि हम किसी को ब्लेम करने से पहले अपनी तरफ देखें, और अगर हमें किसी की हेल्प करनी है तो बस कदम उठा लें कि हमने ये हेल्प करनी है, तो अल्लाह की तरफ से, आवाम की तरफ से और हमारे मुखैर हजरात की तरफ से आप लोगों की इमदाद होनी शुरू हो जाती है, और आपके जरिए उन लोगों तक भी होनी शुरू हो जाती है। आप कदम बढ़ाएं तो बहुत सारे आप लोगों के साथ चल के एक काफिला बनता चला जाए। तो सबीन, जिस तरह से हमारी पॉलिटिशियन के बारे में भी बात हो गई, समाजी बातें भी हो गई, तो एक चीज ऐसी होती है कि किसी चीज को हम देख के मुतासिर होते हैं, या उससे हम सोचते हैं कि हमें ऐसा बनना है, या वो हमारा एक आइडियल होता है। आप किस शख्सियत से जो है एक्सपायर होकर यहाँ पर आए? अच्छा, अगर बात पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से की जाए तो यहाँ पर जो मैं इंस्पायर होकर आई हूँ खान साहब से होकर आई, क्योंकि खान साहब, इमरान खान साहब अवर प्राइम मिनिस्टर, हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड इन माय सेंस ना। और ऐसा मैं कह सकती हूँ कि जिस तरह उन्होंने यूथ को उठा के खड़ा किया, यूथ को अपॉर्चुनिटीज दी, उससे पहले कभी नहीं दी। तो मैं यहां से इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ी लिखी कयादत को, नौजवान कयादत को आगे आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस पहले आए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पर, और दो दो तीन तीन दफा भी उनकी पार्टीज आई, लेकिन अब तक भी पाकिस्तान उस बहरान से नहीं निकल सका है। तो फिर मेरे ख्याल में न्यू लोगों को भी आना चाहिए, मौका देना चाहिए, न्यू टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने जब अपनी ये पार्टी बनाई, उसके बाद फिर जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के बाद जिस तरह से उनको गवर्नमेंट मिली, अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, तो हम उन्हीं से इंस्पायर होकर जो है वो मैंने ये पार्टी ज्वाइन की, और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक हम अपने विजन पे चल रहे हैं, क्योंकि ये पहली मेरे ख्याल में नजरियाती पार्टी, तो विजन होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी कौम का एक विजन नहीं होता वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। तो बस इस विजन के साथ हम आए और इंशाल्लाह कुछ करके दिखाएंगे, और फिर वही कोटेशन कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पहले ऐसा होता था कि हम अपने से जो भी सीनियर जूनियर होता था तो उसको हम आगे नहीं बढ़ने देते थे, या घर में भी आप देखो कि बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन इमरान खान की पार्टी आई, इन्होंने ज्यादातर मौका दिया यूथ को कि आप लोग बोले, अपने जो भी वो सामने लेकर आए, आपके जो जज्बे हैं, जो बात है, आप क्या करके दिखाना चाहते हैं, तो इन्होंने फुल मौका दिया, और आज वो कहते हैं कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान। तो मैं इस बात को भी, हम मानते हैं कि पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि वो लिख कर तकरीर नहीं करते, वो खुद से खुद बोलते हैं, और सबसे अच्छी बड़ी बात यही होती है, पहला पढ़ा लिखा जो पाकिस्तान है उनसे स्टार्ट होता है। और आपकी बहुत अच्छी बातें थी, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी जहमत देंगे। कुछ थोड़ी सी अब ये बातें उसे हटकर जरा हमें ये बताइए कि आजकल शहरी इफ्तारी में क्या हो रहा है, रोजे रख रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शहरी इफ्तारी इसी तरह से होती है जिस तरह से बाकी लोगों की होती है। अच्छा। लेकिन मामा बनाती है, मैं बनाती नहीं हूँ, मैं खाती हूँ। हाँ, यही तो मैंने पूछना था कि शहरी में आप खुद उठ जाती हैं या शहरी तक जागती रहती हैं? नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि देखें, रमजान मुबारक ऐसा मंथ है जिसमें इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं और दिल नहीं चाहता है सोने का, तो मैं ये होता है कि अगर आप सो भी जाए तो फिर आपको 3 बजे सहरी के लिए उठना है। जी बिल्कुल, तो डेफिनेटली फिर हम लोग सहरी तक उठे हुए होते हैं, और फिर बस मतलब ऐसा तो नहीं कि सहरी का दस्तरखान बिछा और टूट पड़े उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शायद जान के ये हैरानी हो कि मैं सहरी बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो सहरी ज्यादा करेगा उसका रोजा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक हेल्थी स्टोमक चाहते हैं तो कम सहरी कीजिए, और सहरी में जो खा रहे हैं वो भी थोड़ी लाइट गिजा लीजिए, रोजा बड़ा कंफर्टेबल होगा। अच्छा, और फिर इफ्तारी के टाइम क्या करती है? इफ्तारी के टाइम वहाँ बैठती है जहाँ सारी चीजें आसानी से हाथ में आ जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और सब कुछ टाइम टेबल पर अवेलेबल होता है, मामा लगा देती है दस्तरखान, और कोशिश होती है कि सबसे पहले जूस। जी बिल्कुल, ये तो थी हमारी थोड़ी सी तंजो मजा की बातें, कि जो हर घर में थोड़ा बहुत होता है कि भाई जल्दी से हमें जूसेस मिल जाए, या हम थोड़ा सा उठा के पकौड़े खा लें या कुछ, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि आप अगर सहरी नॉर्मली करेंगे तो आपका जो निजाम हजम है बहुत दुरुस्त रहेगा, और इफ्तार के टाइम पर भी आप एकदम पानी पी ले तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा घबराहट शुरू हो जाती है, और आप फिर नमाज पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो तहम्मुल से थोड़ी थोड़ी चीजें खाएं, रोजा खुलने के बाद तो आपको पता है कि रात देर तक हम पानी भी पियेंगे और खाते पीते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, बहुत शुक्रिया, आप हमारे एंड न्यूज के स्टूडियो में आए,
और हमने आपको बुलाया और आप हमारे कहने से यहाँ पर आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ही सभी जाते हैं। मैं तो पंजतन की गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन की गुलाम हूँ। मैं मरी से खैर अनाम हूँ। मैं तो पंजतन की गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन की गुलाम।